तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र में बारिश से भारी तबाही हुई है और महाराष्ट्र में बारिश से हुए अलग अलग हादसों में अब तक मरने वालों की संख्या 45 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 3 बड़े हादसे हो चुके हैं, पुणे में, मलाड में और कल्याण में। दीवार गिर जाने से 25 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में सीएसटी से ठाणे और कल्याण तक रेल सेवा ठप है। ट्रैक पर पानी भर गया है जिसकी वजह से सेंट्रल लाइन की सर्विस भी ठप हो गई है। मुंबई में सीएसटी से ठाणे और कल्याण तक की रेल सेवा ठप है। इस पर लाखों लोग निर्भर होते हैं। रोज लाखों लोग इसी रेल सर्विस का, लोकल ट्रेन की सेवा का इस्तेमाल करके अपने दफ्तर तक, स्कूल तक पहुंचते हैं, कॉलेज तक पहुंचते हैं। लेकिन यह रेल रूट इस वक्त ठप है क्योंकि भारी बारिश की वजह से रेल ट्रैक पर पानी जमा हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्टेशन पर लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं लोकल ट्रेन का, लेकिन ये सेवा पूरी तरह से प्रभावित है। रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हो जाने से कई जगह पर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कई लंबी दूरी की ट्रेनें भी रद्द हुई हैं और छोटी दूरी की ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है। सिर्फ यही नहीं, हवाई सेवा पर भी इसका इतना ही असर है। 54 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। कई जगह पर स्कूल कॉलेज बंद है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को भी बंद करने का फैसला किया गया है क्योंकि सड़कों पर पानी इस कदर भरा है कि उन्हें पार करना करीब करीब असंभव है। और मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटे में भी मॉनसून का ऐसा ही प्रचंड रूप जारी रहेगा, इसे लेकर चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर न निकलें क्योंकि पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं। एक बार जहां पर सड़कों पर या रेल ट्रैक पर पानी जमा हो जाता है वहां पर घंटों घंटों पानी जमा रह रहा है, उस पानी के निकासी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो बार बार बारिश हो रही है, लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, इससे जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है, उसका स्तर बढ़ रहा है। ये वो महाराष्ट्र है, वो मुंबई है जो अब से कुछ दिनों पहले तक बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रही थी। गर्मी से लोगों का गला सूख रहा था, सूखे की आशंका थी। ऐसे में जब मॉनसून आता है तो सिर्फ 4 से 5 दिनों 45 लोगों की जान चली जाती है। ये बताता है कि नगर निगम की तैयारी किस कदर अधूरी थी, किस तरह से इंतजाम जो थे वो फेल हो गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कों पर लोग किस तरह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सड़क पार करना करीब करीब असंभव, इतना पानी भरा हुआ है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि सीधी सड़क कहां है और गड्ढा कहां पर है। और ऐसे में हर साल मुंबई में हादसे होते हैं, लोग अपनी जान गंवा देते हैं सड़कों पर पानी भरा होने के कारण जो हादसे हो जाते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नवाब मलिक के घर तक पानी पहुंच गया है। एनसीपी के नेता हैं, महाराष्ट्र की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और ऐसे में आप सोच सकते हैं जब नेताओं के घरों तक पानी पहुंच जाए, घुटनों तक उनके घरों में पानी भर जाए तो क्या स्थिति होगी शहर की। और इसीलिए स्कूल कॉलेज, सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद करने का ऐलान किया गया है और सरकार की तरफ से कहा गया जब तक बहुत जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी होगी। 3 से 4 महीने मिलते हैं बीएमसी को मॉनसून के आने से पहले तैयारी करने के लिए और इस बार तो मॉनसून 1 महीना देरी से आया है। ऐसे में नालों की सफाई करना, पानी की निकासी की व्यवस्था होना, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना, ये सब कुछ वक्त रहते पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। और इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों से, जो हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले संजय का रुख करते हैं। संजय, इस वक्त स्थिति क्या है क्योंकि अगले 24 घंटे को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि मॉनसून का ऐसा ही प्रचंड रूप जारी रहेगा और पिछले 24 घंटे में ही 23 से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, पिछले 24 घंटे में, खासकर पिछले 12 घंटे की भी बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा हादसे हुए हैं जिसके अंदर 23-24 लोगों की डेथ हुई है। मैं बता दूं कि बारिश जो है पिछले 4 से 5 घंटे से लगातार हो रही है, रुक रुक कर हो रही है, उतना उतनी तेज़ी से भी नहीं हो रही लेकिन हो जरूर रही है। लेकिन जो उसके पहले रात को जो बारिश हुई थी उसका जो प्रकोप था उसके वजह से पानी अभी भी कई सारे इलाकों में भरा हुआ, और खासकर 11 से 12 के बीच में हाई टाइड आएगा जिसके अंदर जो लहरों की जो ऊंचाई है वो 4.5 मीटर से ज़्यादा होगी। इस वजह से जल भराव की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। मैं आपको बता दूँ, मेरे पीछे की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो ये लोकल ट्रेन आपको दिखाई देगी, ये मुंबई की लाइफ लाइन है, पश्चिम रेलवे का जो है उसके ट्रैक से जो ये अकेला ट्रैक्स है जो अब चल रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे जो ट्रैक्स हैं, सेंट्रल रेलवे की लोकल कहें, हार्बर लेवल की लोकल कहें, वो पूरी तरह से बंद है। और ये जो आपको ट्रेन दिख रहे हैं इनकी भी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है और काफ़ी धीमी गति से ये तमाम ट्रेनें चल रही हैं। और मुंबई की बारिश का हाल मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, अगर स्काईलाइन को हम दिखाएं तो विजिबिलिटी को आप देख सकते हैं कि किस तरह की विजिबिलिटी है, ये दिखाई नहीं दे रहा। तकरीबन बारिश का पानी इतनी तेज़ी से
उन इलाकों में हो रहा है, समुद्र किनारे 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 वाला इलाका है कि जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पर काफी खराब हो चुकी है। तो ये देखा, कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रेन सेवा का जो हाल है वो बाधित है और कुछ ट्रेन सेवा ठप्प है। यातायात की तस्वीरें हम देख चुके हैं कि किस तरह से हो चुका है। एयरपोर्ट की तस्वीरें हो चुकी हैं कि एयरपोर्ट बहुत सारी फ्लाइट्स है, 50 से ज़्यादा फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। और एक हवाई जहाज था वो स्किड हो चुका था रनवे के ऊपर, बड़ा हादसा होते रुक गया है। स्कूल कॉलेज बंद है और दफ्तर कार्यालय बंद है। सड़कों पर लोगों की उपस्थिति काफ़ी कम दिखाई दे रही है। कुल मिला के बता रहे हैं कि क्या हाल हो गया उस मुंबई शहर का, जिसको कहते हैं कि मुंबई शहर रुकता नहीं, कभी थकता नहीं है, कभी सोता नहीं है। आज वो मुंबई शहर हो चुका है। और ये कोई बारिश जो है वो अचानक आने वाला वाली चीज नहीं है। ये इस तरह की बारिश लगभग हर साल होती है। जो समुद्री इलाके, कोस्टल इलाके जो कहलाते हैं, वहां पे इस तरह की बारिश आम बात है। लेकिन इस बारिश को से निपटने के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं हुई है। इसी वजह से सड़कों पर पानी भरा है, ड्रेनेज थे जो गटर थे वो साफ नहीं हुए थे, कई जगहों पर जो कचरा पड़ा अटका हुआ था वो साफ नहीं हुआ था, नालों की सफाई थी वो नहीं हो पाई थी। ये बहुत सारी चीजें थी जो नहीं हो पाई थी, इस वजह से आज मुंबई का ये हाल है। जबकि उस मुंबई का हाल है जहां की महानगर पालिका देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, 30,000 करोड़ से ज्यादा जिसका बजट है, जो कई सारे छोटे राज्यों का भी नहीं होता है। तो ये तमाम होने के बावजूद ये हाल है। रेलवे ये उस शहर का हाल है जहां से देश को 30% से ज्यादा टैक्स है जो अकेले जिस शहर से जाता है। वो शहर आज पूरी तरह से चरमरा गया है। वो शहर को, उस पानी ने उस शहर को रोक दिया है। जाहिर तौर पर बात है कि जो यहाँ के प्रशासन है, राज्य सरकार कहे या महानगर पालिका कहे या रेलवे प्रशासन है, उन लोगों ने अपना जो काम है कहीं ना कहीं ठीक से नहीं किया है। इस वजह से सारी व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। विशाल, राकेश भी हमारे साथ है मलाड से। राकेश, मरने वालों का आंकड़ा यहाँ पर अब 16 तक पहुंच चुका है, फिलहाल स्थिति क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने में और कितनी देर? देखिए विशाल, ये जो 3 लोगों की हालत जो पहले अस्पताल में नाजुक बताई जा रही थी, बहुत ही दुखद ये खबर अब सामने आ गई है कि डॉक्टरों ने उन तीनों को जो है मृत घोषित कर दिया है। और इसके अलावा जो 15 दूसरे जो जख्मी लोग हैं उन्हें खतरे के बाहर बताया जा रहा है। उन्हें कुछ माइनर और कुछ मेजर जो इंजरीज है उसका उन पर जो इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड और NDRF दोनों की ही टीमें जो है यहाँ पर स्पॉट पर मौजूद है और यहाँ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। 5 लोगों की जिस तरीके से पहले लापता होने की जो बातें चल रही थी उनमें से जो है अभी बाकी लोगों की जो तलाश है वो चल रही है। और इसीलिए ये जो आशंका है वो जताई जा रही कि 5 लोग अभी भी दबे हो सकते हैं, ऐसी जताई जा रही थी। लेकिन अभी अभी उसमें ये जानकारी मिली है कि उसमें से 3 जो लोग हैं उनकी पहचान हो पाई, शिनाख्त जो है वो भी हो पाई है। तो अभी फिलहाल जो है 2 लोगों की तलाश जारी है और फिलहाल ये अब आशंका जताई जा रही कि 2 लोग अभी जो इसमें फंसे हो सकते हैं, उनकी तलाश भी जागी। तो फिलहाल राकेश, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जरा उन्हें बताइए कि मलाड में यह हादसा हुआ कैसे। देखिए मैं ये बता दूं कि रात के ये 11:30-12 बजे की ये घटना है, जब मलाड़ के कुगाग विलेज में ये जो पिंपरी पाड़ा नाम की जो बस्ती है यहाँ पर तेज बरसात के बाद जब लोग गहरी नींद में थे तब जो उसके झुकी झोपड़ियों को लग करके जो एक तकरीबन 15 से 20 फीट की जो लंबी जो एक सीमेंट की कॉन्क्रीट की जो दीवार थी वो ढह गई। और वो ढह करके नीचे से जब उसकी शायद मिट्टी खिसक गई जिसकी वजह से जो 15 से 25 फीट की जो दीवार थी वो सीधे लैंडस्केप के तौर पे जो है झुकी झोपड़ियों पे गिर गई। और उसके रेडियस में जितने जो वहां पर झुकी झोपड़ियां थी वो उसकी चपेट में आ गई। तकरीबन 5 से 7 परिवार ऐसे थे जो सीधे तौर पर सबसे ज्यादा जो है उनको नुकसान इस घटना में पहुंचा, लेकिन जो बाकी जो आसपास की जो झोपड़ियां थी वो भी इसकी चपेट में आई है, टूट फूट सी गई है। इसकी जो छत थी वो बेहद कमजोर थी क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी हुई झोपड़ियां थी, जिस वजह से नुकसान जो है वो और ज्यादा हुआ, डैमेज वहां पर हुआ। सीमेंट के बड़े भारी कंक्रीट जो मलबे के जो टुकड़े थे वो वहां पर गिरे हुए हैं। और उसके बाद में लोगों ने यहाँ पर जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर रेस्क्यू किया, लोगों को बचाया। और रात के वक्त जब यहाँ पर BST की बसें नहीं होती हैं, ऑटो रिक्शा यहाँ पर नहीं मिलते हैं, तब किसी तरीके से जो है यहाँ से सरकारी अस्पताल में लेकर के जाकर के उन्हें वहां दाखिल कराया गया। उसके बाद प्रशासन को जब बताया गया तो BMC की तरफ से फायर ब्रिगेड की टीम और साथ ही साथ एम्बुलेंस और दूसरी जो टीम
में है वो यहाँ पर काफी देरी से पहुंची और उन्होंने यहाँ पर फिर चार्ज लिया, लेकिन उसके बाद देर रात अंधेरे का वक्त, बहुत ही सक्रिय गलियां है, बहुत ही अंदर ये अंदरूनी ये इलाका है और उसमें जो गाड़ियां है वो वहां तक पहुंच नहीं सकती, जो मेन स्पॉट है जहां पर ये वॉल कोलैप्स हुई है वहां पर जो बड़े इक्विपमेंट है वो नहीं पहुंच सकते। मैं आपको अंदाजा देना चाहूंगा कि अगर ये मेरा जो छाता है अगर मैं ये भी लेकर के जाऊं तो मैं इसे लेकर के नहीं जा सकता, कुछ जगहों पर मुझे छाता बंद करके जो अंदर जाना पड़ेगा, कुछ जगहों पर काफी झुक करके मुझे नीचे से जाना पड़ेगा, ऐसा जो ये इलाका है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है कितनी दिक्कतें यहाँ पर एजेंसीज को आई होंगी। फिलहाल वहां पर जो मलबा है वो पसरा हुआ है और यही वजह है कि वहां पर जेसीबी या जो दूसरी मशीन है वो वहां पर नहीं पहुंच सकती मलबे को हटाने के लिए, और इसीलिए मैन फोर्स जो है, इंडिविजुअल जो ह्यूमन फोर्स है, जो वर्क फोर्स है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और एक एक करके जो सामान है उसे उठाने की कोशिश की जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो उसमें मदद कर रहे हैं और कुल मिलाकर के वो यहाँ पर माहौल है। एक स्टैंड बाय के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी की गई है ताकि अगर कोई शख्स को अगर वहां से रेस्क्यू किया जाता है तो उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा जा सके। दूसरी तरफ अस्पताल में जो है यहाँ पर मौत का मातम मचा हुआ है और उनके जो रिश्तेदार हैं उनके रोने का बिलखने का जो वो है यहाँ पर मातम छाया हुआ है। बहुत ही दुख की घड़ी यहाँ पर लोगों के सामने दिखाई दे गई। मैंने देखा कि बहुत सारी जो औरतें थी, जो महिलाएं थे, वो बहुत गमगीन है। मरने वाले में 16 लोगों में एक 3 साल का मासूम बच्चा भी उसमें शामिल है, कई बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी उसमें शामिल है। किसी ने अपने बच्चे को खोया है, किसी ने अपने पिता को, माँ को खोया है। कुल मिलाकर के बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो गम का माहौल, और उसके बाद अभी तक इनके सुध लेने के लिए यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी दिखाई नहीं दिया उन्हें, जिससे वो अपने सवाल पूछ सके, जिससे वो कोई अपनी जो सवाल है पूछने के साथ साथ जिम्मेदारी जो है वो तय कर सके। दूसरी तरफ ये बात जरूर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो मृतक है उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन ये महज एक खाना पूर्ति है, ऐसा लोगों का यहाँ पर कहना है। लोगों का कहना है कि ये हादसा पहले टाला जा सकता था, अगर वक्त रहते यहाँ पर कार्रवाई की जाती, कोई प्रिकॉशन अगर लिए जाते तो शायद ये हादसा टल सकता था। ऐसे में कई सारे जो अलग अलग आरोप है वो स्थानीय लोगों की तरफ से लग रहे हैं, देखना ये होगा कि इसकी तरफ से प्रशासन आगे क्या जवाब देता है। दूसरी एक बड़ी बात ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात निश्चित तौर पर इसमें साफ है कि प्रशासन ने अपनी पिछली बार का जो एक्सपीरियंस है उससे, अपनी जो गलतियां हैं उससे कोई सबक नहीं सीखा है। ऐसी घटनाएं यहां पर मुंबई के आसपास कई सारी जो चट्टान के और पहाड़ों के पास जो बसी हुई झुग्गी झोपड़ियां हैं, बस्तियां हैं, वहां पर हर साल घटती है, चाहे वो साकीनाका का जगीमगी इलाका हो या फिर कोई दूसरा इलाका हो। घाटकों पर विक्रोली, भांडुप, यहां तक कि कांदीवली, मलाड में जो अंदरूनी जो इलाके हैं वहां पर कई सारी झुग्गी झोपड़ियां इस तरीके से पहाड़ों के पीछे जो बसी हुई है। आम तौर पर यह किया जाना चाहिए था कि बीएमसी जो है वक्त रहते, जबकि मॉनसून एक महीना देरी से चल रहा है, उसके बावजूद उनके पास सफिशियंट वक्त था कि वो एक ऑडिट कंडक्ट करते और जहां पर उन्हें इस तरीके की सेंसिटिव चीजें दिखाई देती वहां पर जो है वो। और इसी को ध्यान में रखते हुए राकेश, महाराष्ट्र सरकार ने आज 3 जिलों में छुट्टी घोषित कर दी है। मुंबई उपनगर और ठाणे में छुट्टी घोषित की गई है। यहां पर स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी बंद रहेंगे। नित्यानंद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ है। नित्यानंद, जब स्कूल कॉलेज बंद हैं, सरकारी प्राइवेट दफ्तर बंद हैं, 3 जिलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, उसके बावजूद हमने देखा कि सड़कों पर कई ऐसे लोग हैं जो अपने जरूरी काम से बाहर निकले हैं लेकिन वो सड़क पार नहीं कर पा रहे हैं, सड़क पर अटके हुए हैं क्योंकि सड़कों पर पानी इतना ज्यादा है कि उसे पार करना करीब करीब असंभव है। जी बिल्कुल, जो मुंबई कर परेशान है इस वक्त सड़क पर है, सीधा हम उन्हीं से उनका जो दर्द है वो जानते हैं। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और क्या दिक्कत हो रही है? अभी मैं अंधेरी स्टेशन से आ रहा हूँ, वहाँ से मैंने 7:30-8 बजे निकला था। एक भी ट्रेन नहीं है, एक भी बस नहीं है। एक भी बस भी नहीं आ रही है, रिक्शा भी नहीं चलने के लिए तैयार है। अभी यहाँ पे 3 सर्कल का ब्रिज का पूरा काम बंद कर दिया है, पानी के वजह से पूरा जाम कर दिया है। आप मुझे देख सकते हैं यहाँ तक पूरा पानी भर गया है, थोड़ा सा दूर है कि अभी पूरा पानी भर जाएगा पूरा। दूसरे भी लोग हैं उनसे जानते हैं। ये बताइए आज आपको घर पर रहना चाहिए तो आप कहाँ जा रहे हैं आज? शॉप पे जा रहे हैं। क्यों शॉप पर आज के दिन नहीं जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी? हमारा काम जो है ना वो सब जाना पड़ता है, शॉप पे जाना पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे अंकल, क्या परेशानी हो रही है मुंबई की सड़कों पर? पानी ही पानी तो परेशान सबको हो रहा है, पब्लिक को चलने में आने में जाने। बीएमसी ने काम नहीं किया तो बराबर, पूरा काम नहीं किया। दूसरे भी लोग हैं उनसे जानते हैं, सबसे बारी बारी से हम जानेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या दिक्कतों का सामना करना। मैम खास तौर पर देखा जाए तो लोगों को परेशानी तो हो रही है और ऐसे में ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इनका जरूरी काम है फिर निकल रहे हैं। आज अगर आप नहीं जाएंगे तो क्या आपका काम नहीं होगा? ऐसी बात तो नहीं, मगर क्या जाना जरूरी है, हमारा शॉप पे। मतलब आपको ये डर लग रहा है कि आपके शॉप में तो पानी नहीं आ गया? यस ये बात ही है,
ये बात है, शॉप पे पानी आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी कपड़े का। शॉप है हमारा, नाम क्या आपका? नासिर। देखिए ये नासिर है, ये बड़ी मजबूरी से जा रहे हैं, ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनके शॉप में कहीं पानी तो नहीं भरा, क्योंकि शॉप में इनके जो सामान है वो कहीं खराब ना हो जाए पानी की वजह से, जिसके चलते ये अपने शॉप जा रहे हैं। ऐसे आमतौर पर दिखेंगे मुंबई कर जो कि काफी परेशान है। आप देख सकते हैं लोग, कुछ लोग तो वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग फोटो कैद कर रहे हैं, वाटर लॉगिंग का जो दृश्य है वो कैद करते हुए अपने मोबाइल में नजर आते हैं। और काफी आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर देखा जाए तो मुंबईकरों को काफी परेशानी हो रही है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। आमतौर पर ये जो रास्ता है, ये जो सड़क है, यहाँ व्हीकल्स होती है, लेकिन यहाँ एक भी व्हीकल्स आपको नजर नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं दूसरे साइड जो व्हीकल्स है वो धीरे धीरे की गति से जा रहे हैं, और इस रोड पर आपको कोई भी व्हीकल्स जो है वो नहीं दिखेगा। दूसरे जो लोग यहाँ आए हैं सीधा मुनि से जानते, ये बताओ कहाँ से आए हो, क्या परेशानी है? मतलब इधर दादर से आया हूं। क्या परेशानी हो रही है? ये पानी का प्रॉब्लम है, कितना पानी लगा? कितना पानी है, देखे आपके कमर तक पानी है। अरे कमर तक क्या है, अभी रुक रुक के जा रहे हैं, कितना पानी है? बीएमसी ने काम नहीं किया? काम वाले आपसे जानना चाहेंगे, आप ये बताइए आप कहाँ से आए? मैं माटुंगा से। माटुंगा से क्या परेशानी है, कितना पानी है? पानी यहाँ तक है, यहाँ आपके कमर तक पानी है। तो कैसे तीन जिलों में छुट्टी घोषित की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन जो लोग हैं उन्हें कई बार मजबूरी में भी अपने घरों से बाहर निकलना होता है, क्योंकि कुछ जरूरी ऐसे काम है जिन्हें टाला नहीं जा सकता है। जैसा कि नित्यानंद भी बता रहे हैं, अभी हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हर खबर हर तस्वीर मुंबई की, पुणे की और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से भारी बारिश के बाद क्या हालात हैं, ये आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। डॉक्टर, एक छोटे से ब्रेक के लिए।